छुट्टी का कर लिया है तो सुबह वो बच्चे गए हैं तो वो आए हैं, हेलमेट नीचे रखे है, तो कहता भाई तुम क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा सर वो कल बारिश होती रही थी, इसकी वजह से मैं नहीं आया। उसने जनाब मारा और जबरदस्त किस्म का मारा है, उसमें ये हुआ कि बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश हो गया वो, दो इतना मारा कि भाई भी होश हो गए। हाँ जी, फिर उसके बाद उसको थोड़ा मला मुला नहीं होश है, अंदर ले गए स्टोर में। अंदर स्टोर में जब ले गए उसको, मुझे नहीं पता क्या हुआ अंदर, फिर पौने घंटे बाद ना उसकी चीखों की आवाज़ आई है। तो उसको लुटाया हुआ था उधर, इस तरह उसके हाथ थे। जब मैंने फिर उसको इस तरह रखे हाथ दोनों, इस तरह एक रखा वो फिर इस तरह हो गया, दूसरा रखा फिर वो भी इस तरह हो गया। इसके सामने इसके भाई को मारा गया और कत्ल किया गया, डराया भी जा रहा है और इसको कहा घर जाके बताना नहीं है वरना हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्यूसी टीवी से मैं हूँ रेहान हैदर। नाज़रीन इस्लामाबाद कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर 13 साल का अंस नामी बच्चा जो कि कुरान का हाफिज़ बनने जा रहा था, उसके उस्ताद ने उसके ऊपर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद एक कमरे में बंद कर देता है और उसके बाद वो बच्चा ICU पर मुंतकिल हो जाता है, इस कदर उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और आखिरकार बच्चा ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। इस वक्त ज़ेरे हिरासत में है वो जो कारी था, बच्चे का उस्ताद था। बच्चे के दादा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हाँ जी, क्या हुआ था उस दिन अनस जब घर से मदरसे पढ़ने जाता है? हाँ, बात ये है भाई, बात असल में बात ये हुई है कि वो जिस दिन बारिश हो रही थी ना, उस दिन वो मार्केट में भी बंद थी, हर चीज़ बंद थी और अदारे के बच्चे और भी नहीं गए थे। और जब वो बारिश सुबह से लेके शाम तक बारिश होती रही है और बाहर के लोग कारोबारी लोग भी नहीं गए, दफ्तरों वाले लोग नहीं गए, वो बच्चों ने अनकट की कि यार चलो आज छुट्टी कर लो। उसके मामा ने कहा कोई बाहर नहीं बैठे, छुट्टी कर लो। छुट्टी कर ली उसकी, छुट्टी कर ली उसने, छुट्टी कर ली है तो सुबह वो बच्चे गए हैं तो वो आए हैं, हेलमेट नीचे रखे है, तो कहता भाई तुम क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा सर वो कल बारिश होती रही थी, इसकी वजह से मैं नहीं आया। वो थड़ी ले गया, वो डांग ले गया होगा, वो डांग क्या वो रूल रहता है बड़ा बड़ा हार्ड किस्म का। ये दो मेरे बच्चे पोते जो है ना, ये पढ़ते हैं उधर कुरान पाक की बात करने के लिए। अच्छा, तो फिर मारना शुरू कर दिया? उसने जनाब मारा और जबरदस्त किस्म का मारा है, उसमें ये हुआ कि बच्चा बेहोश हो गया, अनस बेहोश हो गया। उसके तलिए वाला दबाई, उन्होंने दबाई, थोड़ा सा होश में आ गया और बाद में होश में खैर नहीं आया। मेरे कहा बाद में उसको गया कि साथ कमरा है वहाँ ले गए, वहाँ ले जाके एक ये मौलवी उसका उस्ताद और दो बच्चे दूसरे वो भी वहाँ अमले के कुकारी हो गए या हाफिज हो गए या दूसरे होंगे, उनका मुझे नाम नहीं पता। बारह ये जो इनका कारी है ना, उनका तो खैर मुझे पता है ना, कारी शुआब है। तो आपको कब पता चला कि अनस की हालत? बताता हूँ ना आपको, जब वो उन्होंने मारा है तो दूसरी दफ़ा जब उसको अटैक हुआ ना उन मारने का, उसको झुकाया झुकबोया वो बच्चा था, वो इतना टेंशन में आ गया कि वो बेचारा दोबारा गिर गया वहाँ पे। जब बेहोश हो गया तो उसका इतनी टेंशन में उसके नट फट गए दिमाग के, जब नट फट गया दिमाग के और नार दिमाग के, तो उसको उधर ला के वो पता नहीं कौन से डॉक्टर हैं अनक्वालिफाइड, ये वो मोतियों का काम भी नहीं कर सकता, वो डॉक्टर कहाँ हैं, उसको बुला के वहाँ पे मदरसे में डिपे लगाओ, ये करो वो करो, करते 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 5 बजे है ना, 4:30-5 का टाइम था, जब देखा कि ये बच्चा तो नहाल हो गया है, ये तो बचना मुश्किल हो गया इसका, उसने जाके एमरजेंसी में जाके घर में एमरजेंसी में जाके दाखिल करवा दिए। जब उसने दाखिल कराया तो मैंने बच्चे को जाकर देखा, मैं डर रहा था उसका, मैं को यार ये बच्चे की तो हालत ही बड़ी ख़राब है, ये तो पता नहीं क्या तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया मैंने तो बगैर तो ने। जब मैंने खींचा तो वो पुलिस वाले थे, मैंने कहा ये तीनों को पकड़ लो, ये बच्चे के कातल हैं,
पकड़े इनको। उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के जनाब वो थाने ले गए, 324 का पर्चा करवा दिया, 325 का पर्चा करवा दिया और उनको पकड़ के बंद करवा दिया, समझ गए। उसके बाद फिर अपने एमरजेंसी में दाखिल हो गया बच्चा, उन्होंने वो क्या लेते हैं वो वेंटिलेटर पे जहाँ उन्होंने कर दिया, वो लगा दिया, वो सांस वाला ये है वो है सारा वो करके, तो बच्चे की हालत ऐसी थी कि उसने फिर यूसीज मैंने कर दिया आईसीयू में, आईसीयू में ले गए, वहाँ पे वेंटिलेटर लगा हुआ था, वहाँ पे लगा दिया, वहाँ जब लगाया 2-3 दिन बस अब सही हो गया, कुछ काम काम में है, कभी कुछ ज़्यादा है, वो तो उसकी वो मशीन कर रही है जो भी हो रहा है, वो तो उसी दिन खत्म हो गया था बच्चा। ये बच्चा साथ था? नहीं नहीं, ये तो बाद में ये भी पढ़ने जाता है। हाँ ये भी पढ़ने जाता था। अस्सलाम वालेकुम। जाने नहीं दिया अंदर, जब दूसरे कमरे में ले गए ना इनको अंदर। मैं पूछता हूँ उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशर। अनस भाई है आपका? हाँ जी। मुझे बताइएगा अशर, उस दिन क्या हुआ था जब आप और भाई गए हैं मदरसा? उस दिन हम गए तो कसब आया, उन्होंने हेलमेट रखा है, तो कहते हम सलाम लेने गए, सलाम का जवाब नहीं दिया, कहते छोटी लेके आ जाके भाई को, तो वो नहीं गया, डर गया 2 मिनट, फिर उन्होंने कहा कि जाके छोटी लेके आओ, फिर वो गया लेके आया, तो उन्होंने फिर लगाई है उसके हाथ पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उन्होंने तशद्दुद तब भी किया मेरे सामने भी, उसके बाद फिर बेहोश हो गया वो, 2 मिनट इतना मारा कि भाई भी होश हो गए। हाँ जी। फिर उसके बाद उसको थोड़ा मला मुला नहीं होश है, अंदर ले गए स्टोर में, अंदर स्टोर में जब ले गए उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ अंदर, फिर आधे पौने घंटे बाद ना उसकी चीखों की आवाज़ आई है, और चीखों की आवाज़ ये नहीं कि 2-3 मिनट, वो 10-15 मिनट लगातार आती रही तकरीबन, तो हम भागे हम बाबा, जब तक चीखों की आवाज़ आती रही हम कोशिश करते रहे दरवाज़ा खोलने, लेकिन नहीं खुला, उन्होंने कुंडी लगाई थी अंदर से, हमने तोड़ने की भी कोशिश किया, वो नहीं खुली कुंडी, कुछ भी नहीं हुआ, तो बाहर से भी बंद किया। घर नहीं आके बताया आपने? बाहर से भी दरवाजा बंद था, गेट भी बंद किया। अच्छा, बाहर का गेट भी? हाँ जी। तो कब घर बताया आपने आके? मैंने नहीं बताया, उन्होंने मुझे डराया था, कह रहे थे अगर आपने घर बताया दोबारा आप इधर ही आना है, फिर आपको बहुत मार पड़ेगी, तो इस तरह सुन डराया मुझे, कहते आप घर कह देना कि वो नाथ के लिए तैयारी कर रहा है वहाँ पे, तो मैंने फिर इस तरह ही डर के मैं घर बता दिया इस तरह, फिर मैं गया हूँ तो वो लेटा हुआ था, कहते सोया हुआ है ये, उसकी टांगे तक उन्होंने रुमाल से इस तरह टाइट करके बांधी हुई थी दोनों, तो उसको लुटाया हुआ था उधर, इस तरह उसके हाथ थे, जब मैंने फिर उसके इस तरह रखे हाथ दोनों इस तरह, एक रखा वो फिर इस तरह हो गया, दूसरा रखा फिर वो भी इस तरह हो गया, तब उसका जिस्म अकड़ गया था पूरा, तो उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर भी नहीं है वहीं, बस ये जो पीछे जंगीर क्लिनिक है वहाँ पे थे, पहले काम करते थे बस, और कुछ नहीं। पर क्या किया डॉक्टर ने? क्या किया डॉक्टर? आया उन्होंने चेक किया, कहते इसको कतरे दो, बीपी हाई हो गया इसका, तो वो कतरे देते रहे हैं, कहते 2-2 घंटे बाद ना इसको दो ड्रॉप देते रहना, तो उन्होंने इसी तरह किया कसा वगैरह ने, तो उसका बीपी फिर लो हो गया। फिर घर वालों को कब पता चला? असर टाइम उनको पता चला। आपने बताया आके? नहीं, वो तब हॉस्पिटल ले गया, तो सरकारी साहब ही हॉस्पिटल ले गए। हाँ जी। तब उन्होंने घर बताया? हाँ जी, तब उनको पता चला ना डेड हो गया, बिल्कुल 2% चांस थे, फिर भी न्याजी की क्लिनिक ले गया, ये नहीं कि किसी सरकारी हॉस्पिटल ले जाए, ताकि बाबा ने पूछा भी है, कहते नहीं वो आपको पता ना इस तरह वहाँ पे पहले भी केसेस चल रहे हैं, तो वो मीडिया वगैरह आ जाएगी, 112 को हम नहीं बुला सकते। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ये बच्चे की ये ट्रुथनेस देखिए, कि ये उसकी सच्चाई देखें, कि उन्होंने उस बच्चे के साथ पाँव बांध दिए। यार इस बच्चे को आप देखें कि इसके सामने इसके भाई को मारा गया और कत्ल किया गया, डराया भी जा रहा है, और इसको कहा घर जाके बताना नहीं है वरना हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, और दोनों को हफ्से भेजे में रखा, इसको भी डोर बंद करके रख दिया और उसको डबल ताला लगा के रख दिया, और देखें ये इसका ट्रुथ देखें कि उसका जिस्म अकड़ गया था, इनके उधर ही वो फौत हो गया था, अल्लाह को प्यारा हो गया था, और 8 घंटे तक उसके माँ बाप को बताया नहीं। अच्छा, बच्चे को तशद्दुद किया जाता है, फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बच्चा 2-3 दिन वेंटिलेटर पर रहा जी, वो इसलिए लेके जा रहे हैं ना,
जैसे इसने बताया है कि उन्होंने कहा कि तू भाई इसको प्राइवेट में नहीं लेके जाना, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लेके जाओ। नहीं नहीं, हम नहीं लेके जाते, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले कारी पे एक FIR हुई है बच्चे को मारने की, उसका स्कल टूट गया, बच्चे को उठा के उसने ऊपर फेंका है और वो पंखे के साथ लगा है, समनाबाद थाने में उसकी FIR है। उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, जब न्याजी पे लेकेंगे, उन्होंने कहा ये तो हमारा केस ही नहीं, इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर जी जब हॉस्पिटल में लेकेंगे, उन्होंने कहा ये तो भाई ख़त्म हो गया, इसके माँ बाप को बुलाओ। जब माँ बाप को पता चला है ये दादा गए हैं, दूसरे दादा चाचा ये सारे रिश्तेदार चले गए, फिर उन्होंने कहा जी हम इसको ऑपरेट करते हैं। वो जो कारियां थे उन्होंने भागने की कोशिश की, वहाँ से भागने की कोशिश की ना, वहाँ से उसने कहा निकल जाओ, छुप के झाड़ियों में जाके। वो तो पुलिस ने एफिशिएंट होके उनको उस वक्त काबू कर लिया, पकड़े गए। एट द स्पॉट अगर निकल जाते तो पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल जाते, ये अल्लाह की मेहरबानी थी जो पकड़े गए। उसके बाद जनाबे वाला उन्होंने कहा कि हम इसको ऑपरेट करते हैं, पैनल बैठा है, उन्होंने कहा हम ऑपरेट नहीं कर सकते इसका। फिर इसको वेंटिलेटर पे ले गए कि थोड़ा सा स्टेबल हुए, फिर देखते हैं, वेंटिलेटर से ये उतरा ही नहीं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कराई गई, पोस्टमार्टम हो गया, MLC हो गई, पोस्टमार्टम हो गया, इसकी इंशाल्लाह ताला सुबह रिपोर्ट भी आ जाएगी और ये नहीं बचेगा। तो अभी जेरे हिरासत है जी, जेरे हिरासत, जेरे हिरासत। क्या अपील करना चाहेंगे हुकामे वाला से या कानून नाफिज करने वाले इदारों से, क्योंकि एक बच्चा है, पूरा इलाका मैं देख रहा हूँ सोगवार है, गमी का माहौल है। मैं हुकामे वाला, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर नकवी साहब से दस्त बदस्ता दरख्वास्त करते हैं कि इसको खुद टेक ओवर करें, इसके ऊपर इनिशिएटिव लें, इसके ऊपर को खुद फैसला करें, एक इजलास बुलाएं, एक इजलास बुलाएं आला अफसरान का, उनको बिठाएं और ये सारा केस डिस्कस करें कि इसको एक एग्जांपल बनाना चाहिए, इस केस को लंबा नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर जो भी हो फौरन फैसला दें और इसको उस किरदार तक पहुँचाएँ जो इसका हकदार है, और ताकि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये इबरत का निशान हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने इलाका मौज़ज़ीन और लवाहकीन की गुफ्तगू जानी। छोटा आना जो के बड़े ख्वाब से जाया था कि मैं बड़ा होकर हाफ़िज़ कुरान बनूंगा, किरत बहुत अच्छी करता था बच्चा, नातिया मुकाबलों में हिस्सा लेता था, लेकिन अभी वो मौत की आगोश में सो रहा है। और हुकूमते बाला से हमारी भी अपील है कि इस तरह के वाकया, इस तरह के जो वाकयात होते हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए, ताकि जो मदरसा में आए दिन कोई ना कोई सानहा पेश आता है, इसकी रोकथाम यकीनी बनाई जाए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगा कीजिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।